हेलो दोस्तों, अनबॉक्स एंड रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अनबॉक्स करूंगी कास्ट आयरन का फ्राई पैन, जिसे मैंने वंडर शेफ से खरीदा है। तो देखिए, इस टाइप की ये पैकेजिंग में आता है। तो देखिए, ये पॉलीथिन रैप में आया है, तो पहले इसका पॉलीथिन हटा देती हूँ मैं। फ्राई पैन को मैंने निकाल लिया है पॉलीथिन में से। इसके साथ ये वारंटी कार्ड मिला है, इसमें लिखा है 5 ईयर वारंटी, और साथ में ही इसमें टिप्स भी दिए गए हैं आपको इसको यूज कैसे करना है। ये वंडर शेफ का प्रोडक्ट है और इसका जो नेम है वो फोर्जा प्री सीजन कास्ट आयरन फ्राई पैन है। इसका जो साइज है वो 24 सेंटीमीटर है। पैन को अगर आप हाथ लगाएंगे तो ये आपको इवन नहीं लगेगा, आपके हाथों में थोड़ा सा कोर्स टाइप का आएगा, जैसे खुरदुरा होता है उस टाइप का आपको हाथ में लगेगा। जो इसके हैंडल है, इसका हैंडल भी काफ़ी बड़ा है, उठाने में आपको इजी होगा। दोनों साइड से आप इसको देख लीजिए, काफ़ी बड़े हैं इसके हैंडल पकड़ने के लिए, क्योंकि जब ये पैन गर्म हो जाता है ना तो उठाने में मुश्किल होती है, तो इसमें पकड़ने की जो ग्रिप है वो अच्छी दी गई है। और ऊपर से वाइड होने की वजह से इसमें आप कुछ भी कुक करेंगे तो इसमें इवन कुकिंग होगी। इसका जो सरफेस है थोड़ा सा रफ आपको नज़र आएगा, हल्का सा ये ग्रेनी सा है। बैक साइड में ब्रांड का नाम लिखा गया है वंडर शेफ, और जो इसका बैक साइड है वो भी एकदम फ्लैट है, किसी भी कुकिंग सरफेस पे यूज कर सकते हैं। पैन का जो वेट है वो ना हैवी है ना लाइट है, बिल्कुल मीडियम है, जिसको आप डेली ही किचन में यूज कर सकते हैं। इस पैन में आप खाना बनाएंगे तो इसमें इवन हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, और साथ में ही आप इसमें स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स, ग्रेवी, सब कुछ आप बना सकते हैं। और मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कास्ट आयरन के पैन को हम अवन में यूज़ कर सकते हैं, तो सारे कास्ट आयरन के पैन को आप अवन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं। ये जो फ्राई पैन है ये अवन, ग्रिल और फ्रीजर सेफ है। दिस पैन इज इंस्पायर्ड बाय इटालियन डिज़ाइन। इसका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया गया है उसमें लिखा गया है कि इस पैन को जब आप यूज़ करें तो मीडियम हीट पे करें। इसमें आप स्टील का जो स्पैचुला होता है उसका यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप वुडन या फिर आप सिलिकॉन स्पैचुला का यूज़ कीजिएगा, तभी आपके लिए ये अच्छा होगा। मैंने वंडर शेफ का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टाइम खरीदा है, मैंने DLF मॉल नोएडा से खरीदा है उनकी शॉप पे जाके। इसका जो MRP है वो 2000 रुपीज़ है, मुझे ये मिला है 1650 रुपीज़ का। ओवरऑल काफ़ी अच्छा ही लग रहा है देखने में, प्राइस थोड़ा सा मेरे को इसका ज़्यादा लग रहा है, मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस है वो थोड़ा कम होना चाहिए था। देखने में काफ़ी अच्छा पैन है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका अगर मेरे को लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी। जब हमें पैन को क्लीन करना होता है तो इस बात का ध्यान रखें कि पैन बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, क्लीन करते टाइम गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो पैन है वो ख़राब हो जाता है। इस पैन की जो थिकनेस है वो 3.8 mm है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं थिकनेस, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं।